जोधपुर से खबर मिल रही है जहां पर नगर निगम ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो मकानों को ध्वस्त किया है। शहर के पहाड़गंज इलाके में रेलवे जमीन पर ये अतिक्रमण हुए थे और निगम ने जेसीबी की मदद से इन अतिक्रमणों को हटाया। इस बीच अतिक्रमणकारियों से निगम की झड़प भी हो गई, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इस मामले को शांत करवाया। आप ये तस्वीरें देखेंगे और समझ पाएंगे कि किस तरह से कार्रवाई को जोधपुर नगर निगम ने अंजाम दिया। दरअसल ये रेलवे की जमीन थी और इसी पर यह अतिक्रमण किया गया था। दो मकानों पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी से इन मकानों को हटाया गया है। ये देख पाएंगे आप, ये जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो कई लोग वहां पर पहुंचे और विरोध करने लगे। स्थिति बिगड़ती इससे पहले ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। आप महत्वपूर्ण बात ये देख पाएंगे कि भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मी लेकर जाब्ते के साथ में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे, जिनको पहले से ही पता था कि स्थिति ऐसी बन सकती है कि महिलाएं वहां ज्यादा हो। ललित सिंह, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। ललित, दो अतिक्रमणों को हटाया है, ये समझना जरूरी है, जब अतिक्रमण रेलवे की भूमि पे थे तो निगम ने क्यों कार्रवाई की और क्या कोई विरोध हुआ इसके बाद? देखिए, चूंकि ये निगम का वार्ड पास से लगता है और रेलवे की संपत्ति है, रेलवे ने निगम को रिक्वेस्ट की थी क्योंकि जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है। इस बीच नगर निगम ने कई बार इनको नोटिस जारी किए, लेकिन ये अपना जो अवैध इमारतें इन्होंने बना रखी थी वो हटाने को तैयार नहीं थे और यही कारण है कि बार बार नोटिस देने के बाद आज निगम भारी जाब्ते के साथ पहुंचा है और दो मकानों को ध्वस्त किया है। लेकिन बता दें, चार इमारतें यहाँ बनी है, अवैध तरीके से बनी है, लेकिन इसमें दो को ही तोड़ा गया क्योंकि दो जो और अवैध इमारत है उन्होंने हाईकोर्ट से रिश्ते लिया है, जिसके चलते आज उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर निगम कोर्ट के अंदर अपील दायर करेगा और उसके बाद इनको भी यहां से हटाया जाएगा। ललित, पूरी तैयारी के साथ में पुलिस वहां पर पहुंची थी, निगम वहां पर पहुंचा था, हमने देखा भारी संख्या में महिला पुलिस वहां पर थी ताकि कोई अगर ऐसी अप्रिय स्थिति बनती है तो काबू में किया जा सके। देखिए, निश्चित तौर पर निगम को पूरी अंदेशा था कि यहाँ पे हालात बिगड़ सकते हैं, इससे पहले भी कई बार कार्रवाई की थी लेकिन पुलिस जाब्ता नहीं मिलने के चलते ये कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज भारी जाब्ता मिला है जिसमें महिला जवान भी शामिल थी, पुरुष जवान भी शामिल थे और यही कारण है कि भारी जाब्ते के बीच जो है दो इमारतों को ध्वस्त किया गया है। जेसीबी ने दोनों मकानों को गिरा दिया है और अब इस बीच अब सबसे हैरानी बात यह है कि बीच में कुछ लोग जो हुई कुछ झड़प हुई लेकिन पुलिस ने उस मौके को हालात को संभाल लिया। बिल्कुल ललित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ललित सिंह, जी मीडिया संवाददाता, जोधपुर से जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।